सारी उम्मीदें हैं। हम भी बहुत बिल्कुल नया जोश लेके आए हैं और कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। आज पूरे देश में हो सकता है हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको हमारे बारे में 100 गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन एक चीज तो सारे मानते हैं कि इन लड़कों की नीयत साफ है, ये लोग ईमानदार हैं। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश की राजनीति के अंदर कि अगर ईमानदार लोग राजनीति में आए हैं, पूरी पार्टी की ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं। आज मेरा यहां आने का एक स्पेशल मकसद है। हम लोग एक नई किस्म की दिल्ली बनाना चाहते हैं, मॉडर्न सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन केवल अमीरों के लिए नहीं, अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, मिडिल क्लास के लिए भी, सब तबकों के लिए एक अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर एक सपना है हम लोगों का, और ईश्वर ने एक मौका दिया है 5 साल का ये सपना पूरा करने के लिए। यहां आने का एक मेरा स्पेशल मकसद है। मैं इस मकसद को पूरा करने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, इनवाइट करने के लिए आया हूं। प्लीज ज्वाइन अस, आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। अभी मिस्टर श्रीराम ने कहा कि हाउ कैन CII हेल्प, मैं आज पूरी लिस्ट लेके आया हूं सर, हाउ कैन CII हेल्प। बहुत बड़ी लिस्ट लेके आया हूं सर, अभी एक एक करके बताऊंगा। सर सबसे एक मकसद हमारा है, अभी जब भी हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की लिस्ट में ईमानदार शहरों, ईमानदार देशों की सूची में, आई थिंक वी आर 80 और 82 और समथिंग, इट कीप्स हॉवरिंग अराउंड दैट, 70 हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। 5 साल के अंदर कम से कम दिल्ली शहर को हम दुनिया के टॉप के 5 ईमानदार शहरों में गिनाना चाहते हैं। और दूसरा सर, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा अच्छा, इट्स अ कैच फ्रेज, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और सारे नेता चुनाव के पहले इसका इस्तेमाल करते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इसमें 49 दिन की सरकार में हम लोगों ने कई स्टेप्स उठाए थे। 49 दिन तो कुछ भी नहीं होते। 49 दिन की सरकार में मेरे पास ट्रेडर्स एसोसिएशन आती थी। अब फ्रेंकली मैं इनकम टैक्स में तो था, इनकम टैक्स तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, वैट मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। सो बहुत ट्रेडर्स एसोसिएशन आती थी, मैं अपने वैट कमिश्नर को बुला लेता था, इनको बिठाता था, दोनों आपस में डिस्कस करते थे एक दूसरे को, मैं बीच में बैठ जाता था, एंड एट द एंड ऑफ इट आधे घंटे के अंदर हम नोटिफिकेशन पास करके कई सारे रूल्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया, कई सारे फॉर्म्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया। जो आप वैट देते हैं उसका जो रिफंड आपको क्लेम करना होता है, वो दिल्ली में प्रोविजन था कि आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सो कई सारे ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस आए, वी हैव ऑलरेडी पास्ड अ नोटिफिकेशन एंड पास्ड द लॉ, वैट अमेंडमेंट कर दिया, नाउ लो ट्रेडर्स अपने, कहने का मतलब ये है कि हम बिजनेस को इनकरेज करना चाहते हैं, बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट बिजनेस बढ़ेगा तभी जॉब्स क्रिएट होंगे। तभी मेरे पास सवेरे मैं जनता से मिलता हूं, लंबी लाइन लगी होती है लोगों की, उसमें से आधे से ज्यादा लोग मेरे से नौकरी मांगने वाले होते हैं कि जी कहीं नौकरी दिलवा दो। अब सरकारी नौकरियां तो दे नहीं सकते सर, सरकार को तो एक्सपेंड कर नहीं सकते सरकार, तो जॉब्स जो क्रिएट होंगे वो तो प्राइवेट सेक्टर में ही क्रिएट होंगे। तो वो नौकरी लेने वालों की तो नौकरी तो आप ही लोग देंगे सर, आप लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना मेरा काम है, उनको दूर करना मेरा काम है। तो 5 साल के अंदर When we talk of ease of doing business, उसमें शायद हमारे भारत देश का नाम 140 या 142वें नंबर पे आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिल्ली को सर हम 5 साल के अंदर टॉप के 5 शहरों में, दुनिया के टॉप के 5 शहरों में कर देंगे, ये हमारा वादा है, एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी विल अचीव दैट। जब अभी मैं मुख्यमंत्री बना, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास फाइल आई कि जी पता नहीं कितनी, बोले 1000 और DTC की बसें खरीदनी है। सुनने का कि हमारे पास कहां पैसा है बसें खरीदने के लिए, दिल सरकार कब तक बसें खरीदेगी, हम कितनी बसें खरीद लेंगे, 1000 1500, जबकि आज दिल्ली को इतनी ज्यादा बसों की जरूरत है। सो मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोला, मैंने कहा प्रिपेयर अ प्रपोजल दैट वी कैन इनवाइट द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन टू पार्टिसिपेट इन दिल्ली ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अगर हमने इसके रूल्स अच्छे बना दिए, सरकार का काम है रूल्स, फेयर रूल्स बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर कोई रूल ब्रेक करे
तो देर शुड बी सर्टेनिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पनिशमेंट, अदरवाइज हमारा काम बसें चलाना नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी थ्रोन ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर. सो नाउ द चीफ सेक्रेटरी इज प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल. अगर हम इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए अट्रैक्टिव बना दिया तो 1,000 नहीं, मुझे लगता है दिल्ली में एक साथ 10,000-15,000 बसें एक साथ आ सकती हैं. अब सर मैं एक एक करके बताता हूं कि CII से मुझे क्या क्या उम्मीद है. सर टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ बिग रोल, और आज हमारी जो समस्याएं हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. दिल्ली में 50% दिल्ली डज नॉट हैव सीवर पाइपलाइंस, दे डोंट हैव सीवर कनेक्शन, पूरा सीवर वो नाली में बहा देते हैं. दिल्ली में 20% ऑफ दिल्ली डज नॉट हैव वाटर कनेक्शंस. तो मैंने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को बुलाया, मैंने कहा कि अगर पूरे दिल्ली में सीवर की पाइपलाइन बिछानी हो तो कितना खर्च, 30,000 करोड़ रुपीज इज रिक्वायर्ड, 30,000 करोड़ रुपया चाहिए सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए, कहां से आएगा? और वो नाली में बहा देते हैं वो सारे नाली फिर यमुना में. कुछ लोगों ने दे क्रिएटेड बायोडाइजेस्टिबल टॉयलेट्स, उसको हमने कुछ जगह यूज किया, वेरी सक्सेसफुल, आर सोल्जर्स आर यूजिंग इट एट सियाचिन. सो टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ ग्रेट रोल. सो इसमें मेरा, मैं पिछले 2-3 दिन से कई कंपनीज ने आके प्रेजेंटेशन दिया है कि कैसे हम वाटर को रिसाइकिल कर सकते हैं. सीवर को इन टेक्निकल टर्म्स दे कॉल इट ब्लैक वाटर, कैसे ब्लैक वाटर को क्लीन कर सकते हैं बाय नॉट क्रिएटिंग बिग प्लांट्स. मान लीजिए 100-200 घरों पे, 300-300 घरों के क्लस्टर पे हम छोटे छोटे वाटर रिसाइकिलिंग प्लांट लगा दें, छोटे छोटे सीवर रिसाइकिलिंग वो लगा दें, और वही पानी एक किचन में चला जाए और दूसरा टॉयलेट में चला जाए, आई थिंक एकदम से हमको फिर 30,000 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है. मैं कैलकुलेट कर रहा था कि जितना सीवर डेवलपमेंट चार्जेस और वाटर डेवलपमेंट चार्जेस एक घर से हम लेते हैं, उतने पैसे में लोग अपना अपना छोटे 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 प्लांट्स पूरे दिल्ली के अंदर लगा सकते हैं. सो आप में यहां पे बहुत सारे लोग होंगे, इफ यू हैव आइडियाज ऑन वाटर रिसाइकलिंग, वाटर रिचार्जिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग. आज हम दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, 70 या 80 MGD पानी, मिलियन गैलन्स पर डे का पानी हम दिल्ली में ग्राउंड वाटर से जनरेट करते हैं, दैट्स ऑल वी हैव. बाकी यूपी से लेते हैं, गंगा से लेते हैं, यमुना से लेते हैं, हरियाणा से लेते हैं, पड़ोसियों से लेते हैं. अब पड़ोसियों ने भी कहना चालू कर दिया जी और पानी नहीं दे सकते हम, वो कब तक देंगे हमें पानी? एंड दिल्ली इज अ ग्रोइंग सिटी, तो दिल्ली को अब अपना समाधान खुद निकालना पड़ेगा. सो एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इफ यू हैव एनी सॉल्यूशंस ऑन वाटर, एंड आई थिंक रिसाइकिलिंग से, रिचार्जिंग से, देयर आर मेनी सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हु हैव, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. इफ यू हैव एनी आइडियाज ऑन वाटर रिसाइकिलिंग और वाटर रिचार्जिंग, विल यू प्लीज कम टू अस, टेल अस, तो जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उसमें देन वी कैन गो अहेड. दूसरा सर, हमारे दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी नदी बहती है यमुना, लेकिन आज वो बिल्कुल नाला बन गई है. और मुझे बताया गया है कि दुनिया के अंदर कई नदियां हैं जिनको थेम्स का एक एग्जांपल हम लोग देते हैं. जर्मन से अभी जर्मन एम्बेसडर केम विद हिज होल टीम एंड दे टोल्ड कि जर्मनी के अंदर उन्होंने नदी पूरी साफ कर दी है. सो अगर यमुना को साफ करने के लिए, नंबर एक, नंबर दो, यमुना का पानी गर्मियों में, सॉरी रेनी सीजन में इतना पानी उसमें जमा होता है कि बाढ़ आने वाली स्थिति पैदा हो जाती है. उस पानी को हम स्टोर नहीं कर सकते क्या किसी तरह से? कैन वी स्टोर दैट वाटर सो दैट व्हेन वी नीड दैट वाटर तो उसको नीचे रिचार्ज करें, उसको कहीं स्टोर करके रख लें, छोटी छोटी लेक्स बना दें यमुना के दोनों किनारों पे, दैट द रिवर बिकम्स ब्यूटिफुल एंड देन वी कैन ऑल्सो यूज दैट वाटर सब्सिक्वेंटली. सो देयर इफ यू हैव एनी आइडियाज प्लीज टेल अस. तीसरा, पॉल्यूशन हैज बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर दिल्ली. If you have any ideas on what steps need to be taken on that, you're most welcome. Solid waste management. Solid waste management is again not a rocket science. Can someone or at CII take the responsibility of studying how some of the developed countries are handling their solid waste? How London is doing it, how Washington is doing it, how New York is doing it, how Germany is doing it, how France is doing it. If you could tell us what are the various ways, तो अगर एक बारी अगर एक टेक्नोलॉजी हम आइडेंटिफाई कर ले तो ग्लोबल टेंडर करके हम लोग बुलाएंगे ना उन कंपनीज को यहां पे अपनी दिल्ली को साफ करने के लिए. सो कैन CII टेक अप दिस जॉब ऑफ हैंडलिंग? मुझे तो बताया गया आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारा पता नहीं कितने करोड़ रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्च करता है,
पहले घर घर से कूड़ा इकट्ठा करता है, फिर उसको ढलाव पे डालता है, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट करता है, फिर लैंडफिल साइट पे जाता है। इतना पैसा, मुझे तो बताया गया कि एक्चुअली यू कैन अर्न रेवेन्यू आउट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दैट। उसके बाद सर सफाई, दिल्ली बहुत ही गंदा शहर है और हमारे देश की राजधानी है, शर्म आती है हम लोगों को जब हम दिल्ली के अंदर। सो अगेन इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, द वे दे हैंडल द क्लीनिनेस ऑफ इन वेस्टर्न कंट्रीज, अपने अपने शहरों की सफाई। अब हमको कर तो रहे हैं इसको, अभी तो झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह, आप देखेंगे झाड़ू लगाते हो, वो झाड़ू यहां से लगाते हैं, मिट्टी यहां डाल देते हैं, वो गाड़ी एक आती है वो मिट्टी यहां से उड़ के यहां आ जाती है। सो वी नीड टू यूज द मैकेनाइज्ड सकिंग मशीन्स, जिसको हम कहीं कुछ जगहों पे ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं। एंड इसमें सतेंद्र जैन हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी सड़कों के ऊपर दोनों तरफ घास लगा के वील ट्राई टू डू द ब्यूटिफिकेशन। बट इफ यू कैन स्टडी सम ऑफ द सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इफ यू कैन कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑन हाउ वी कैन क्रिएट अ नीट एंड क्लीन सिटी। सिमिलरली रोड्स, हमारी सड़कें, करप्शन तो एक पार्ट है कि करप्शन होती है, इसीलिए सड़क जो है वो बनती है और बनने के पांच साल का गारंटी होती है, वो साल भर में ही टूट जाती है। बट आई थिंक नाउ देर इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, कि सड़क बनेगी और वो अब तो 20-20 साल, 25-25 साल भी सड़कें नहीं टूटती है। सो कैन वी हैव आइडियाज ऑन दैट। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट का मैंने बताया, वाईफाई हमने बोला था हम फ्री वाईफाई करेंगे, जब हमने बोला था हमारा सपना बड़ा छोटा सा था, लेकिन जब हमने इसके ऊपर अब काम करना शुरू किया तो हमें पता चला, जब हम बोलते थे ना चुनाव के टाइम में हम पूरी दिल्ली को फ्री वाईफाई करेंगे, तो ये मीडिया वाले पूछा करते थे पैसा कहां से आएगा, तो अब मेरे को पता चला है कि वाईफाई को फ्री करने में पैसा देना नहीं पड़ेगा, हमें एक्चुअली पैसा मिलेगा। जो टेंडर कंडीशन होगी वो ये नहीं होगी कि कितना पैसा, हम पूछेंगे कितना ज्यादा पैसा कौन पार्टी देगी। इट ओपन्स अप ह्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर आपने अपने पूरे शहर को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाट आई एम टोल्ड, मतलब इनफाइनाइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इफ यू कुड प्रोवाइड दैट कनेक्टिविटी ऑल अक्रॉस द सिटी। सो वी नीड आइडियाज ऑन दैट, और जो भी आइडिया दें तो उसमें फाइनेंसेस कहां से आएंगे ये भी थोड़ा सा। अभी हमने बजट एक्सरसाइज शुरू की है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली बजट कैसे बनते हैं, नॉर्मली क्या होता है, बजट हर डिपार्टमेंट से पूछा जाता है, हाँ भाई कितना तुम्हारा खर्चा पिछले, हर डिपार्टमेंट कहता है जी पिछले साल हमारा 100 करोड़ का खर्चा था, इस बार 110 करोड़ दे दो, 10% इंक्रीज दे दो, दैट्स हाउ द बजट इज मेड। और वो सारी इन्होंने तैयारी कर रखी है हमारी सरकार बनने के पहले ही, अगर हम चाहें तो कल बजट प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने इसको चार हिस्सों में बांटा है बजट एक्सरसाइज को। जनता की प्रॉब्लम्स किस्म किस्म के लेवल पे, एक है पूरे दिल्ली की प्रॉब्लम्स हैं, और एक है मेरी गली, मेरे मोहल्ले, मेरी घर, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे घर के सामने स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, मेरे पार्क का दीवार टूटी हुई है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी, द वियर नोज वेयर द शू, उन वो बहुत बड़ी बन जाती हैं आम आदमी के लिए। तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। दिल्ली की 12 विधानसभाओं के अंदर हमने एक एक विधानसभा को 20-20 करोड़ रुपए का बजट अलॉट कर रहे हैं, और उस विधानसभा को 40 हिस्सों में बांट दिया हमने, और एक एक हिस्से के अंदर वहां के वोटर्स की मीटिंग होगी, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 12th of April, 12 अप्रैल को होंगी, 19 अप्रैल को होगी और 26 अप्रैल को संडेज को होंगी, और वहां पे लोग आके बताएंगे। 20 करोड़ रुपए को हमने 40 हिस्सों में बांट दिया, तो 50-50 लाख रुपए एक एक मोहल्ले के अंदर में आ गए। अब वो आके बताएंगे जी मेरी वो लाइट ठीक करा दो, मेरा यहां पे सड़क ठीक करा दो, मेरा पार्क ठीक, जो जनता कहेगी वही काम होगा उससे। तो वहां पे सारे काम लिख लिए जाएंगे और लास्ट में उन कामों पे वोटिंग होगी, जिस वो काम को ज्यादा वोट पड़ेंगे वो काम पहले होगा, जिस काम को, तो अगर 50 लाख रुपए में सारे हो गए तो सारे काम हो जाएंगे, 50 लाख रुपए से ज्यादा होंगे तो बाकी काम अगले साल होंगे। सो दिस इज वी आर प्लानिंग इन 12 कंस्टिट्यूएंसीज। तो एक्चुअली ऑन द स्पॉट जो जनता डिमांड करेगी, कि नहीं तो आपको एक सड़क ठीक कराने में नानी याद आ जाती है, आप चक्कर काट काट के, चक्कर काट काट के, अनलेस यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, आप जिंदगी बिता देते, दो दो तीन तीन साल लग जाते हैं आपकी सड़क ठीक नहीं होती। यहां पे यू कम देयर, यू डिमांड, वहीं पे ऑन द स्पॉट आपकी डिमांड जो है वो पूरी की जाएगी, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, फाइनेंशियल सैंक्शन, एवरीथिंग ग्रांटेड।
दूसरी एक्सरसाइज हम परसों से शुरू कर रहे हैं. एवरी डे आई एम गोइंग टू टेक अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम थ्री डिपार्टमेंट्स. सो देर बी रफली 70 or 80 और डिपार्टमेंट्स विल मेक प्रेजेंटेशन. इन प्रेजेंटेशन के अंदर हर डिपार्टमेंट को आके बताना है. आपको ये जान के ताज्जुब होगा, वो एक स्कीम है हम लोगों की लोन देने की. तो एक बार ही जब मैं नया नया आया तो वो उस डिपार्टमेंट के हेड मुझे कॉल ऑन करने आए, तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू हिम. तो उनसे पूछा मैंने कहा, तो उन्होंने कहा जी लोन देते हैं हम फलाने फलाने. सो मैंने कहा पिछले कितना बजट है तुम लोगों का? कहते जी 40 करोड़ रुपए हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट पे खर्च किया, सैलरीज एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने कहा पिछले साल कितने लोगों को लोन दिए? एक आदमी को लोन दिया 5 लाख रुपए का. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 40 करोड़ रुपए का सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन और बजट दे रहे हैं. फिर वो खुद ही कहता है सर इस डिपार्टमेंट को वाइंड अप कर दीजिए. ऐसे बहुत डिपार्टमेंट्स हैं. सो परसों से मैं एक एक डिपार्टमेंट की प्रेजेंटेशन ले रहा हूं एंड दे हैव टू कम एंड जस्टिफाई व्हाई दे शुड एग्जिस्ट. अच्छे डिपार्टमेंट्स भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा. और हर डिपार्टमेंट वालों को आके बताना पड़ेगा कि उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं. उसमें से हो सकता है कई सारी स्कीम्स हम खत्म कर दें. दूसरी चीज, ये 10 मई तक ये चलेगा. इन द मीन वाइल हम अगले 2-3 दिन में इश्तिहार निकालने वाले हैं दिल्ली के अंदर कि अगर आपके पास दिल्ली के बजट के लिए आइडियाज हैं तो आप हमें आइडियाज दीजिए. जो जो लोग आइडियाज देंगे एंड जो हमारी एक टीम बनेगी ऑफिसर्स की, जो आइडियाज अच्छे मिलेंगे उनको 11 मई से 20 मई के बीच में हमारी सारी कैबिनेट बैठ के उन सिटीजन्स को की प्रेजेंटेशन सुनेंगे 11 मई से 20 मई के बीच में. और चौथी और आखिरी एक्सरसाइज है रेवेन्यू के लिए. अभी आप देखोगे कि एक आदमी आईएएस अफसर बन जाता है, 21-22 साल की उम्र में एग्जाम देता है और उसके बाद जिंदगी भर वो उसकी नौकरी भी पक्की, उसकी तनख्वाह भी पक्की, उसकी सारी सब कुछ पक्का. उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता. इट्स नॉट देयर फॉल्ट, आई थिंक इट्स अ सिस्टमिक प्रॉब्लम. उन्हें कभी सोचने का उनको चैलेंज ही नहीं दिया जाता. इस बार हम कुछ डिपार्टमेंट्स में ऐसा कर रहे हैं. तो अभी हम एक सर्कुलर निकालने जा रहे हैं कि वैट कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर कौन बनना चाहता है. आईएएस और डानिक्स में सारे ऑफिसर्स में सर्कुलेट करेंगे कौन बनना चाहता है. जो बनना चाहता है वो हमें बताए कितना पैसा इकट्ठा करके देगा इस साल और उसका क्वार्टरली माइलस्टोन दे कि 3 महीने में इतना दूंगा, 6 महीने में इतना दूंगा, 9 महीने में इतना और 12 महीने में इतना. और उसका पूरा ब्लूप्रिंट दे कि कैसे इकट्ठा करेंगे, पॉलिसी लेवल क्या चेंजेस करेंगे, टैक्स इवेशन को कैसे रोकेंगे, ये कैसे, पूरा ब्लूप्रिंट दे. और वो ब्लूप्रिंट अचीव करने के लिए उससे हमसे क्या चाहिए, डज ही नीड एनी एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट, डज ही नीड एनी एडिशनल पावर्स, डज ही नीड मैन पावर, उसे हमसे क्या चाहिए, हम वो देंगे. इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी. एक तो खूब सारे आइडियाज आएंगे सारी ब्यूरोक्रेसी से, मेनी पीपल विल अप्लाई, सो उनसे आइडियाज आएंगे. उन आइडियाज को हम सबको कंपाइल करके जो भी फाइनली प्रेजेंटेशन में जिसको भी फाइनली वो जॉब मिलेगा उसको हम ये कह रहे हैं कि आपकी 3-3 महीने में हम आपकी वो लेंगे, अप्रेजल लेंगे. और अगर आपने अपने टारगेट्स मीट कर लिए, 1 साल तक आपकी नौकरी पक्की, आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, देर विल बी नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन योर वर्क, यू विल बी गिवन 1 ईयर्स टाइम. और 1 साल के बाद अगर आपने अपने टारगेट अचीव कर लिए तो वी आर कीपिंग अ वेरी हेफ्टी सम विच विल बी गिवन टू हिम एवरी मंथ एज अ परफॉर्मेंस अलाउंस फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. आप एक नंबर में पैसा कमाइए ना, आप 2 नंबर में पैसा क्यों कमाते हैं. वी विल गिव हिम परफॉर्मेंस अलाउंस. जो जिन जिनको वो कहेगा ये मेरे कर्मचारी थे जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको भी परफॉर्मेंस अलाउंस हम देंगे. सो ये हमारी, सो बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून वी प्लान टू प्रेजेंट द बजट. अब एक छोटी सी, आप लोग सब लोग कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और अभी सरकार ने कंपल्सरी किया है सीएसआर 2% सीएसआर आपको देना होता है. तो हम दिल्ली में बहुत सारे नए स्कूल्स खोलना चाहते हैं और एक तो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं सर, एग्जिस्टिंग सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब है. इन द फर्स्ट फेज वी आर प्लानिंग टू क्रिएट 100 स्कूल्स एज मॉडल स्कूल्स, जिसको हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर करके दिखाएंगे हम सरकारी स्कूलों को. और ढेर सारे नए स्कूल बनाने हैं, उसी तरह से हमें ढेर सारे नए हॉस्पिटल बनाने हैं. इन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए हम चाहते हैं कि आप जितना अपना सीएसआर का फंड हमें दिल्ली सरकार को दे सकें उतना अच्छा है. मैं एक ही बात आपको अश्योर करना चाहता हूं कि जितना भी पैसा आप दोगे वो पैसा आपका चोरी नहीं होने दूंगा. मैं एक एक पैसा आपका स्कूल या अस्पताल में जाएगा जिसके लिए भी आप पैसा दोगे. इनफैक्ट आज ही मैं
बात कर रहा था अपने फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और इनके साथ, मैंने कहा भाई किसी भी प्रोजेक्ट में रिश्वत का कितना कॉम्पोनेंट होता है, कितना परसेंटेज होता है? तो कहते हैं सर हमें तो पता नहीं। मैंने कहा भाई 15% 20%, मैंने एमसीडी में तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने सुना है 50% होता है। तो मैंने कहा भाई अब मैं तो पैसे लेता नहीं, मंत्री भी नहीं लेते। मैंने कहा आप लोग भी नहीं लेते होंगे? कहते हैं हाँ सर हम भी नहीं लेते। तो मैंने कहा देखो इतना परसेंट देते तो बच गया, तो अब हमारे दिल्ली में प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इतनी तो कम होनी चाहिए, 15% 20% कॉस्ट तो डाउन आनी चाहिए। तो वो कहते हैं हाँ सर आनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप दिल्ली में इन्वेस्ट कीजिए, दिल्ली में आप प्रोजेक्ट्स कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह से कहीं कोई पैसे मांगे तो आप मेरे पास आ जाना, आपकी पेमेंट में बिना पैसे के करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। थैंक यू सो मच।